40-45 किलोस का इजीली। एक बात बोलो सर, बोलो सर, वो मास्क उतार के मैं सूंगा तो सही आपको सर, वो तो और मेहुल गया है किधर, अपने अंकल के घर पे इधर पवई में, और वसीम जो है आ गया है डब्बा, क्या कर रहे तू? वो भी नहीं, वो भी नहीं था तेरे घर पे, तो मैंने ऑर्डर कुछ नहीं है, मैं साबुन लेके आ रहा हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अरे शैनिस बस कर यार, तो ऐसा टूर दे रही थी कोई म्यूजियम है। डू यू नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग? वसीम और मेरे को पता है, ऐसा फ्रिज था ही नहीं, खाली पानी की बोतल ले रहती थी, वो भी आती 3-4, बाकी पूरा फ्रिज खाली, वो भी खाली पानी की बोतल। तभी तो मेरा वजन बड़ा नहीं है। ये दीज आर जस्ट स्नैकिंग्स, ये सब नहीं डालना चाहिए था चैनल से। डोंट यू डेयर ईट नाउ, इफ यू विल, यू लुक एट दिस, लीव द हाउस टू द बॉयज एंड दे विल मेक इट हेल क्लीनिंग द हाउस, बिकॉज़ यू वोंट क्लीन इट। आई क्लीन इट, बट थैंक यू। एंड मेरे घर पे मैं हमेशा करती हूं, तो वसीम ने भी सेम मेरे जैसे ग्लव्स ले लिए। अलग है, सेम कंपनी सेम कलर, बट डिफरेंस क्या है? ये स्पारिंग वाला ग्लव्स रहता है, ये पफी रहता है ऊपर, देखो ये पफी है पूरा, तो ये रहता है फाइट वाला ग्लव्स रहता है। इससे पड़ेगी तो मतलब गया, लग गई तो होता है, फील होता है, इससे बहुत ज्यादा होता है। जो बात जींस पहना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली यहाँ से जो है अच्छा शेप ले ले। वसीम ने बोला भाई हैमस्ट्रिंग अच्छे हो गए, बिकॉज मैं लेग वर्कआउट जो है बिल्कुल मैंने स्किप किया था। एक बार शोल्डर नहीं मारूंगा, चेस्ट नहीं मारूंगा, लेग्स जरूर मारूंगा। कमर के साथ थोड़ा टाइट हुआ है, लेकिन बेल्ट पहनने के बाद अभी वसीम आ गया। जिन लोगों को नहीं मालूम, जिन लोगों को नहीं याद, वसीम ने जो है मुझे वर्कआउट करवाया था, डाइट दी थी अभी अपना लॉकडाउन के टाइम पे। खाना खाओ वर्कआउट करो, खाना खाओ वर्कआउट करो, अभी अपन डाइट भी फॉलो करेंगे। कल जो चीज मैंने अनबॉक्स नहीं की थी बराबर देख के, ये नहीं, ये तो अपना पंचर किट है, मेरा मजाक उड़ा रही, इसको बाद में देखेंगे। तो वसीम यू पिक दिस वन और दिस वन, ये खोल देता है, ये पहले खोलते हैं। बाय द वे दिस इज फ्रॉम माय प्रोटीन। मैंगो, मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, तो आपको पानी में जैसे नॉर्मल कैसा आता है, ये सब वे में कैसा एकदम मिल्चे की टाइप। ये खाने में बहुत मजा आएगा कॉफी के साथ भाई साहब, को पता है बिस्कुट बिस्कुट खाने का मन करता है, लेकिन अभी अपन अच्छे से खाएंगे। मैं तनेजा का देखता रहता, तनेजा कुकीज दिखाता रहता, मैं अभी अपन भी खाएंगे। ओ दिस इज प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन बार है क्या? जीशान को दिखा दिखा के चलाऊंगा, जीशान नहीं देख कर 20 ग्राम एक ही में तुम्हारा सर्विंग में हो जाएगा काम, मतलब चॉकलेट चिप ब्राउनी, ये एक सर्विंग में 22 ग्राम प्रोटीन। प्री वर्कआउट का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बिकॉज मैं मोस्टली ब्लैक कॉफी पीता हूँ, क्योंकि प्री वर्कआउट से मुझे टिंगलिंग सेंसेशन आती आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको जरूरत पड़ती है, तो मैं ऑन एंड ऑफ करके प्री वर्कआउट पीता हूँ। जब वसीम बोलता है पियो तभी पीता हूँ। मुझे भी देना प्री वर्कआउट, प्री वर्कआउट शैनिस को, प्री वर्कआउट चाहिए शैनिस को, प्री वर्कआउट की अच्छी जरूरत है। और वे प्रोटीन पर ये मैंगो फ्लेवर है, वैसे आई एम अ चॉकलेट गाय, बट आई डोंट माइंड हैविंग अ मैंगो ब्राउनी, ये वाला। तुम लोग का सामान आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, रख ले तू ही रख ले। एक और ए भाई शेकर में कुछ है, शेकर में, शेकर में, अरे मेरे ठंडा ही फ्लेवर, ठंडा ही फ्लेवर कभी सुना है? अभी शैनिस मेरे बाल स्ट्रेट करने वाली हो, करेगी अभी कल करना है? अभी करती हूँ। मेरे हाथ थोड़े गीले हैं, और सबसे डिफिकल्ट चीज होता है स्कूप ढूंढना। रुको रुको रुको, मिल गया मिल गया मिल गया, रुको रुको, ऐसा ऐसा नहीं, ठंडाई ठंडाई फ्लेवर खोल के ट्राई कर रहा हूं मैं, बहुत देसी फ्लेवर है, थोड़ा मिलता नहीं कहीं, नहीं मिलता। तो ज्यादातर के लोग पहले पानी डालते हैं और फिर स्कूप डालते हैं, मैं पहले स्कूप डालता हूं फिर पानी डालता हूं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। 28 मई को जो है माय प्रोटीन को हो जाएंगे 16 साल, उसी खुशी में हमारे पास कूपन कोड आया है MS Squad, जिसके वजह से आपको मिलेंगे फ्लैट 30% ऑफ। सो जो लोग प्रोटीन किया फिर जो भी मैंने प्रोडक्ट बताया माय प्रोटीन से, उसकी शॉपिंग करनी है तो आप 28 मई को एक्टिवेट हो जाएगा। अभी अपन दो स्कूप डालेंगे, एक स्कूप बहुत होता है भाई, माय गॉड, अगर आप ये स्मेल कर सकते हैं ना आपको मजा आ जाती है इसकी खुशबू सूंघ के। और काफी टाइम प्रोटीन लेते टाइम लोगों को डुप्लीकेसी का टेंशन आता है, माय प्रोटीन के केस में आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज माय प्रोटीन इज द ओनली ब्रांड जिसका वेयर हाउस इंडिया में,
सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये देखो एकदम ऐसा लग रहा है मैं ठंडा ही पी रहा हूँ, प्रोटीन शेक नहीं पी रहा हूँ. और जो कूपन कोड मैंने दिया ये 28 और 29 को 30% है, 30/31 को 28% हो जाएगा और उसके बाद 25% फ्लैट. चीयर्स. अच्छा बताओ, मैंने तुमको बोला आधा क्यों 10 ग्राम इससे लेंगे ना आधा. जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी गाड़ी निकाल नहीं सकता मेरे जो दूसरे घर में खड़ी है, क्योंकि रास्ता तो बना दिया है लेकिन जो मेरी बिल्डिंग से जो ये जो है वो काफ़ी ऊपर है तो गाड़ी तो निकल नहीं सकती. सुरन भाजी अपने फैक्ट्री में थे, उन्होंने बोला मेरे पास एक रैंप पड़ा है जो कि बेसिकली ये है. बहुत हैवी है ये तो. अरे ट्रक चढ़ता है ना मेरा दूध, ट्रक चढ़ता है दूध तो निकलता नहीं है. अगर ये रैंप सही बैठ गया तो गाड़ी निकल जाएगी, नहीं बैठा तो नहीं निकलेगी. अभी अगर ट्रक चढ़ता है तो अपनी वेन्यू तो बहुत हल्की फुल्की है. कोशिश करते हैं. नहीं इट्स अ फेल. एक मिनट. नहीं पाइप है ना, ये पाइप आ गया ना. एक्चुअली पाइप में तो फ्लैट होता, पाइप कैसे ऊपर हो गई. अरे यार ये पाइप ने गड़बड़ कर दी यार, वरना तो परफेक्ट बैठ रहा था. मैं तो बोल रहा था 80 की स्पीड से गाड़ी चला के लाएगा ना, गाड़ी परफेक्ट लैंड करेगी. मतलब परफेक्ट लैंड तो करेगी और सीधा अंदर घुस जाएगी. यहाँ परफेक्ट नहीं आता, बट यहाँ से गाड़ी घूमेगी. गेट नहीं है ना वो भाई. देखिए ये जो है ना, ये और जो कंटेनमेंट जोन का ये जो पोस्टर लगा है ये निकल जाना चाहिए आज, ये कल निकालेंगे फिर. ये रैम देख के बहुत हल्का लगता है लेकिन ये बहुत भारी है. ये इजीली होगा 40-45 किलो उसका इजीली. एक बात बोलो सर, बोलो सर. वो मास्क उतार के मैं सूंगा तो सही आपको सर. वो तो दूध की स्मेल है वो. हाँ इधर लग जाएगा. वॉशरूम को पूछता हूँ, अगर ये गेट कभी खुलता नहीं है, ये गेट अगर खोल सकते हैं, अगर अभी खुलता है ठीक है, नहीं खुलता ना सर तो मेरे को दे देना, कल यूज़ कर लूँगा. गुड बॉय. तो अभी गाड़ी को यहाँ तक लेके आ गया हूँ. अभी सिर्फ अपने कोई बाइक हटानी है, दूसरा ने मार डालना है और बस गाड़ी स्मूथली उतर जाएगी. बहुत मुश्किल था गाड़ी को घुमाना. बस ऑडियो दीना. हाँ उतर गई. भाई साहब पसीने पसीने छूट गए, मास्क भी मेरा टूट गया, बट हो गई गाड़ी बाहर निकल गई. और बीच में शायद किसी ने तो मेरी गाड़ी आगे पीछे की थी, मम्मी ने बोला होगा, तो हैंड ब्रेक खींचा रह गया तो ब्रेक थोड़ा चिपका हुआ था. मेरा गाड़ी निकलने का मेन रीज़न नहीं था कि अभी कोई टैक्सी रिक्शा अवेलेबल नहीं है. कुछ भी इमरजेंसी होती है तो अपनी गाड़ी जो है बाहर होनी चाहिए, इसलिए मैंने गाड़ी बाहर निकाल ली. अभी कुछ एटलीस्ट एक रिलीफ होगा कि भाई कुछ भी होगा तो अपन गाड़ी निकाल सकते हैं. व्हाटएवर इट इज़, अब इसको बिल्डिंग में पार्क कर दूंगा. बिग थम्स अप फॉर सुरन भाजी. और क्या मतलब रैंप परफेक्ट साइज का निकला कि यहीं से गाड़ी निकली और कट टू कट निकली. सो रिलीव्ड. मेयुल व्हाट लव यू हैव विद दिस स्पॉट. एवरीबॉडी वाज टेलिंग कि यार मेयुल ने ये स्पॉट पकड़ के बैठ गया. क्या सब जगह बहुत ज्यादा ठंडी लगता है, यहां सबसे सेफ है. बिग बैंग थ्योरी शेल्डन, वो शेल्डन का दैट्स माय स्पॉट बोलते हैं तो मेयुल दैट्स माय स्पॉट. वसीम तक को देखो वहां फेंक दिया बैठा के. हां तो मैं बोल रही हूं लेकिन आज के लिए मेयुल ने अपने कपड़े चेंज किए, ब्लू ही पहना है लेकिन थोड़ा डिफरेंट टी-शर्ट पहना है. मेयुल को पसंद है कावासाकी लेकिन पहनता है ब्लू सुजुकी. सुजुकी ब्लू सुजुकी ब्लू. हाँ बीएमडब्ल्यू ब्लू है. बीएमडब्ल्यू. अरे यार कंफ्यूज कर रहे लोग. एडिडास पहना उसने वो कैप देखा सब. व्हाटएवर इट इज गाइस, आज के लिए बस इतना रखते हैं. शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग है. अभी बहुत अच्छा है, गाड़ी भाड़ गई अपनी. गाड़ी में सिर्फ 2 या 3 लोग घूम सकते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और डिसलाइक करना मत भूलना अगर अच्छा नहीं लगे, लेकिन कमेंट जरूर करना योर थॉट्स. विद दैट सेड एज ऑलवेज गाइस कम ऑन. शुक्रान अलविदा मा सलामा टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आवर लवली फ्रेंड्स. ये ज्यादा वाइड एंगल लेंस नहीं लगा मैंने, 1635 डाला. डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अगले व्लॉग में शायद फिर कुछ मेरे बालों के साथ करेंगे. इसका चैनल देख लो, मेरे बाल स्ट्रेट किए. तेरे पास हुआ क्या ट्रिमर? ट्रिमर बीच में से ऐसे कर देते. अरे मैं ट्रिमर चार्ज पे रखा हूं, आज मेयुल के बाल काटने वाले हैं. हां ये थोड़ा अबे है ही नहीं, इसको फेड वेड करते हैं यहां से. फेड करेंगे आज, फेड एक्सपेरिमेंट. ये मेरे तो दाढ़ी के बाल इससे बड़े. ये बाद में उसके बाल स्ट्रेटन कर दे तो उतने साइड से फेड करने वाले उसके. अब इतना खराब किया मैं थोड़ा करूं ना, छोटे-छोटे बाल कलर करने गए तो क्या होएगा.